हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कविता एट किचन विद ब्लॉग्स में। आज मैं आपके साथ फिर एक और नई वीडियो टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर कर रही हूँ। घी अगर जल जाए तो उसकी बदबू कैसे दूर करें, या पुरानी हो जाए तो कैसे दूर करें, उसकी मैं आज टिप्स आपको बताऊँगी कि कैसे दूर करें। तो देखिए, मेरी घी है वो जल चुकी है, तो मैं आज इसी की जो बदबू है कैसे दूर करते हैं मैं बताऊंगी। हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम इसकी बदबू को दूर कर सकते हैं। कोई हमें ज़्यादा कुछ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे किचन में वो सारी चीज़ें हैं जिसकी हम अपने किचन के टिप्स और ट्रिक्स के साथ ही जो उसकी बदबू है उसको दूर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसके लिए 2 इलायची 2 तेज़पत्ते लिए हैं। इलायची का अपना ही एक स्वाद है और तेज़पत्ते का अपना ही एक स्वाद है। इलायची जो है इसकी जो बदबू है उसको एब्जॉर्ब करेगी और उसकी अपनी जो खुशबू है उसको घी को देगी। तेज़पत्ते का भी वही है, तेज़पत्ता जो है अपनी उसकी बदबू को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी जो खुशबू है वो घी को देगा, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो बस इसका हमें बस मुँह को खोल देना है और डाल देना है, और हमें घी को गर्म नहीं करना है कि इसके साथ हम इसे उबालेंगे, ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। बस उसको डाल देना है और हमें इसे ढक के पूरी रात छोड़ देना है। तो मैं इसमें 2 इलायची 2 तेज़पत्ते ही डाल रही हूँ। आप चाहे तो दालचीनी डाल दें, काली मिर्च डालें, लौंग डालें, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें नहीं डाल रही, मैं बस 2 इलायची 2 तेज़पत्ते ही डाल रही हूँ। लौंग और काली मिर्च के साथ भी इसका टेस्ट अच्छा होता है, दालचीनी भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए, रात भर ये रहने के बाद मैं इसने अपने जो बदबू है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है और ये फूल चुकी है, तो बस इसे मैं निकाल लूँगी और इसे हमें छान के अपने अच्छे बर्तन में रख लेना है। अगर पुरानी भी घी हो जाए तो आप उसको भी इसी तरह करें। और उसको मैं देखिए, मैंने इसे अब छान के एक बर्तन में रख लिया, अब इसकी खुशबू भी और अच्छी आ रही है। और इसे आप कितने दिन भी रख के खा सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। फिर एक और वीडियो के साथ आऊँगी। धन्यवाद।